अस्सलाम वालेकुम सुबह बहैर माय यूट्यूब फैमिली मैं ठीक ठाक हूँ उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और मेरे सब देखने वालों के रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे सब के तो देखें जी शहरी का टाइम है और जो रूटीन होती है शहरी में हमारी एज़ यूजुअल वही रूटीन है और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन पराठे बना के खाता है और कौन सीरियल खाता है या कुछ और कुछ लोग चावल भी खाते हैं ज़्यादातर लोग जो है ना वो मेरे ख्याल में चावल भी खाते हैं बॉयल चावल खाते हैं लोग योग के साथ अब तो हमारी भी बस हो रही है रोज़ाना पराठा खा खा के अब पूरा पराठा नहीं खाया जाता स्टार्ट में फिर खाया जाता था लेकिन अब नहीं खाया जा रहा तो बस अब रोज़े भी जो है ना आधे तो हो रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से तो अल्लाह करे बाकी के भी जो रह गए वो अच्छे गुजर जाए और फिर इसके बाद पराठे कोई भी नहीं देखेगा हम लोग का यही होता है कि रमज़ान में खाते रहते हैं फिर उसके बाद ना इतने टाइम तक जो है ना पराठा नहीं खाते हैं हम लोग जो जो चीज़ें रमज़ान में खाते हैं ना फिर वो बाद में जल्दी जल्दी नहीं खाते जैसे फ्रूट चाट होगी वो भी हर रोज़ ही होती है पकौड़े हो गए ये चीज़ें फिर बाद में नहीं चलेंगी फिर काफ़ी टाइम के बाद ब्रेक करते हैं और फिर खाते हैं हम लोग अब लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कौन कौन ऐसे करता है और साथ में ये देखिए मैंने दाल की रखी हुई थी डाल के सालन भी दाल बनाई थी हमने वैसे गोश्त बनाया हुआ था लेकिन मैं और अम्मी इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती तो फिर हमने अपने लिए थोड़ी सी दाल बनाई थी मसूर की दाल ब्राउन दाल होती है जो तो वो डाल के गर्म कर रही हैं साथ में मैंने सालन डाल के रखे हैं चाय के कप रखे हैं उसमें जो है ना टी बैग डाल के शुगर डाल के ना चीज़ें मैंने रेडी की हैं ये देखें और आजकल जो है ना हम लोग सुबह रोज़ाना ही जो है ना तकरीबन बिल्कुल एंड में जो है ना हम खा पी के फारक होते हैं रोज़ा बंद होने वाला होता है जबकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जल्दी उठें उठती भी हैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हैं तो हजद की नमाज़ पढ़ती हैं जो अपना पढ़ना होता है थोड़ा सा और जब नीचे जाओ तो फिर इतना रश पड़ जाता है कि आज फिर लेट हो गए और आज भी वैसे यही हुआ है कि जस्ट रोज़ा जो है ना खाना ख़त्म किया ही है तो साथ में रोज़ा बंद हो गया तो पानी फिर फुर्सत में नहीं पिया और ये इधर चाय के कप मैंने रखे हुए अब सालन गर्म कर लिया साथ में ये हम दोनों लेडीज़ का था और अब ऊपर आई हूँ खा खा पी के रोज़ा बंद करके नमाज़ पढ़ी है कुरान पाक पढ़ा है तो ये देखें जी अब सुबह जो है ना अब देख लें लाइट्स जो है ना स्ट्रीट लाइट्स अब ऑफ होने वाली हैं आपको नज़र आ रहा होगा इसका ऐसे कि थोड़ी थोड़ी सी ना रोशनी होने वाली है बैठ के जब पढ़ते हैं ना तो पता ही नहीं चलता टाइम का माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ने में टाइम गुजर जाता है इतना अच्छा और लें जी अब हो गई है सुबह हमारी और सबसे पहले मैंने ना बच्चों को जो है ना नाश्ता दिया उन्होंने नाश्ता किया और मैंने अब ना इनको बोला कि आप पहले होमवर्क करो क्योंकि फिर फिर खेलने लगते हैं तो फिर होमवर्क याद नहीं रहती और ये छोटा वाला ना लास्ट टाइम में आप लोगों को दिखाया था कि मैं ये नेल कटर लेके आई हूँ उसको शौक चढ़ा हुआ था अपने नेल काटने का और मैं साथ में ये अपना सफाई वगैरह करके फारग हुई हूँ तो मैंने जो जूस अपना बनाना होता है रोज़ाना लीम्बू का वो जो है ना काम करने लगी हूँ आज कुकिंग हुई हुई थी ये देखें जी तो आज कुकिंग नहीं करनी बस यही काम करना है और आज मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग के लिए बाहर जाऊँ क्योंकि फिर जो है ना टाइम नहीं मिलेगा और पंद्रह रमज़ान के बाद तो, तो, तो बिल्कुल भी रश हो जाएगा जी तो फाइनली हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के निकल आए बच्चे भी घर थे तो मैंने कहा इनको साथ लेके चलती हूँ इनके जो है ना शूज़ लेने थे ये देखें जी गैलियंस स्ट्रीच हम लोग गए और ये देखें इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था ना ये देखें ये देखें जी ब्रिज से नीचे देखें कितनी प्यारी लग रही हैं गाड़ियाँ जा रही हैं ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना आज आसमान ये देखें जी कैसे बादलों के टुकड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं आसमान पे स्काई का कलर कितना प्यारा था कहीं कहीं बादल थे और जब हम लोग ये इतना अच्छा मौसम था ये हम लोग पहुंच गए हैं गैलियन स्ट्रीट में यहाँ सारे स्टोर्स थे ना जो साथ साथ में ही होते हैं इसलिए मैंने कहा रोज़ा रख के ना डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर नहीं मुझसे जाया जाता तो ये देखें सबसे पहले हम लोग एच एंड एम में आए और फिर उसके बाद हम ना नेक्स्ट में जाएंगे ये देखें कितना प्यारा ये साइन लगा हुआ था हेलो का और आसमान ऊपर कितना प्यारा लग रहा है ये देखें जी एच एंड एम से भी कुछ चीज़ें बच्चों की ली हैं और अब जो है ना नेक्स्ट में हम लोग जा रहे हैं और मुझे पता नहीं क्यों अब मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे जो है ना नेक्स्ट और एच एंड एम में जाना अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों बच बच्चों के लिए फिर जाना पड़ता है वो भी ज़रूरी था ये देखें जी ऐसे इनकी चीज़ें फ्री हैं मुझे अब ये अच्छी नहीं लगती ऐसे कुछ खास नहीं रहा अब इन स्टोर्स में भी शायद ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है ये देखें ये जूते कितने प्यारे थे स्लीपर ये देखें ये बैग्स अब इनकी उस तरह की चीज़ें नहीं रही ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा शायद आ गया तो अब जो है ना ये देखें कैसे इनकी चीज़ें रखी हुई हैं अब हम लोग घर वापस आए हैं शॉपिंग लेके तो मैं दिखाती हूँ आपको कुछ उधर से ऑर्डर किए हैं क्योंकि बच्चों के साइज़ नहीं मिल रहे थे और एक ट्राउजर मिली और बाकी की तीन जो है ना ऑर्डर करके आएँ ऑनलाइन स्टोर में तो वो डिलीवरी जो है ना हमें कल मिल जाएगी ये फिर जो साइज़ मिला था हस्बैंड का ले आई थी ये बच्चों की शर्ट्स हैं जो ले के आएँ जो नहीं मिले वो ऑर्डर करके आएँ वो अब कल जो है ना डिलीवर हो जाएंगे घर में ठंड है ना था। not, तो मैंने कहा चले ये भी जो है ना ले लेते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना अब नहीं जाते बाहर इतना ज़्यादा शॉपिंग करने तो आज मैंने कहा हाथ चढ़े हुए बच्चे तो चले ले लेते हैं चीज़ें साथ हैं वो ज़रूरी उनके शूज़ थे जो है ना जो लेने थे तो मैंने कहा साथ हैं तो चले इनको ले जाती हूँ क्योंकि फिर रमजान के बाद लोग ईद की जो है ना रमज़ान के मिडिल में जो है ना पंद्रह रमज़ान के बाद लोग शॉपिंग कर देते हैं ईद की तो फिर तो बिल्कुल नहीं बाजार जाया जाता रश बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने कहा जी जो है ना हम फार करती हैं बच्चों के शूज़ ज़रूरी लेने थे मुझे ये देखें जी ये दोनों के शूज़ लिए हैं और थोड़े से कपड़े इनके लिए कुछ ऑर्डर किए हैं ये शूज़ का कलर मुझे अच्छा लगा मैंने कहा सारे कलर इन्होंने पहने हुए ये लेती हूँ इस दफ़ा हर डेढ़ दो माह बाद तो शूज़ इनके ख़त्म हो जाते हैं फिर लेने पड़ते हैं जी तो अब जो है ना थके हारे हैं बाहर से आए बच्चों को भूख लगी थी पहले इनको खाने पीने के लिए दिया और अब अपनी जो है ना नमाज असर अदा की और उसके बाद ये देखें एज़ यूजल इफ्तारी का टाइम और रश में भागम दौड़ी और पहले सबसे मैंने घर में आके ना अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं काम करते हुए ना घर वाले कपड़े अपनी ये जो जंपर है मेरी फेवरेट और ये शॉल है एक कपड़ा होता है ना जो आपका आप जिसमें कंफर्टेबल फ़ील करते हैं वो पहन के फिर मैं काम करती हूँ पहले मैंने चेंज किया फिर नमाज असर की अदा किया फिर नीचे आई हूँ क्योंकि ये जंपर भी मेरी ना ऐसे ही जो मैंने रखी हुई है घर में काम काज के लिए काफ़ी मुझे अच्छी लगती है कोजी सी या लॉन्ग सी तो ये पहन के तो फिर मैं काम करती हूँ अपना तो वॉशिंग मशीन लगाई थी वो कपड़े जो है ना वॉश करके ना शुक्र अल्लाह का हम लोग ना अंदर ही किचन में ही जो है ना रह रख के थे आप कुछ ना पूछें उधर जब हम गए इतना अच्छा मौसम था हवा चल रही थी लेकिन बारिश का इतना लग नहीं रहा था आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में पीछे भी लेकिन जब हम वापस आए हाँ, इतनी बारिश हो रही थी और वो लास्ट टाइम जैसे जो है ना हम वो क्या बोलते हैं ओले पड़े थे ना जैसे याला बारी हुई है वो वाली हुई है और हमें नहीं पता चला हम जी इधर गए हुए थे गैलिय स्ट्रीट में उधर बारिश तो है ही नहीं थी लेकिन जब हम इधर आए इधर अपने एरिया में तो इतनी बारिश हो रही थी और ठंड इतनी ज़्यादा जैसे स्नो पड़ी हुई है तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो है ना वो भी हमारे साथ ही काम से भी आ गए थे हमारे बाद ही को पाँच दस मिनट बाद आए तो मैंने पूछा कि बहुत ठंड लग रही कहते हैं हाँ ये तो काफ़ी ओले पड़े ये देखें जी फ्रूट चाट रेडी हो गई है अब ये जो है ना मैंने फिंगर चिप्स का जो है ना बैटर रेडी कर रही हूँ ये देखें आजकल ये मेरे हस्बैंड को कहते हैं मुझे ये पसंद है मेरे लिए ये बनाया करो कोड़े खा खा के बोर हो गए हैं अभी इनकी बारी है तो वो बैटर रेडी किया है आलू ये देखें किए और अब फ्राई करूँगी मैं और अम्मी साथ दोनों मिल के मैंने कहा टाइम भी थोड़ा रहता है और आज इतने थके हुए ना बाहर से आके थोड़ा रेस्ट भी नहीं किया वरना हम लोग ना जोहर के बाद ना थोड़ी देर आराम करते हैं मैं तो बिल्कुल इस्पेली रमज़ान में तो बा... ये सर्दियों का रमज़ान है इस दफ़ा तो काफ़ी हार्ड हो रहा है वरना गर्मियों में देखें दिन भी लंबे होते हैं और बंदे को प्यास भी इतनी लगती है लेकिन वो फिर गुजर जाते हैं ये सर्दियों वाले रोज़े जो है ना इस दफ़ा बहुत मुश्किल लग रहे हैं बाहर भी नहीं जाया जा रहा उस तरह से जैसे पहले बंदा काम कर का लेता था, था बाघ दौड़ के अब वो भी नहीं होता तो इस दफ़ा हार्ड लाग रहे हैं गुजर गए हैं लेकिन जो है ना थोड़े से इस दफ़ा मुश्किल लग रहे थे और ये देखें जी ये जल्दी जल्दी में कुछ कुछ जो है ना गिर रहा है गंद पड़ रहा है ये देखें जी हमें कह रही थी कि लेट हो रहे हैं चलो दोनों मिल के डालती हैं तो जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये एक एक डालना है तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा सो हम लोग लगी हुई हैं देखें टाइम पे फ़र्क होते हैं या नहीं कल कल भी ऐसे ही हुआ था परसों भी दो तीन दिनों से ना ऐसे ही हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल एंड टाइम पे फ़ारुग होते हैं शहरी में भी और इफ्तारी में भी आज यह कि कुकिंग नहीं थी हुई थी कुकिंग कल की तो इसलिए हम लोग बाहर का जो है ना चक्कर लगा के आए मैंने कहा बस मेरा आज जो चक्कर लगना था ना मैंने दूर का लगा लिया बस इसके बाद नहीं जाना इधर पास चली जाऊंगी अगर कुछ लेना हुआ तो ज़रूरी है एमरजेंसी चीज़ तो दूर मैंने नहीं जाना रोज़ा रख के इतना ज़्यादा मैं ट्रैवल नहीं करती मुझे अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों वैसे भी गाड़ी में जो है ना मैं इतना ज़्यादा नहीं जाती मुझे बस ईज़ी लगती है बस में ठीक लगता है ट्रेन में भी ईजी लगता है मुझे मैं अपनी गाड़ी में जब ट्रैवल करती हूँ ना मुझे भी और मेरे बड़े वाले बेटे को भी ना ट्रैवल सीकनेस बहुत होती है ये देखें ये हरी लम्हा है बस इफ़ारी का टाइम होने वाला है हमारा जो है ना काम भी जोरों पर बच्चों को दिया हुआ था मैंने कहा आप बर्तन रखें और दस्तरखान का जो शीट है वो बिछाएं और सारे बर्तन आप उठा के रखें वो लगे हुए थे बर्तन रखने और जो कपड़े वॉश करके गए थे वो फिर अंदर रखी हुई थी किचन में तो फिर ज़रा कुकिंग वगैरह करो तो फिर कपड़ों को स्मेल लगती है फिर वो मैंने बड़े वाले को कहा कि आप ये सारे कपड़े उतारो और इनको फोल्ड करके रखो ड्राई हुए हुए थे तो वो उधर लगा हुआ था सबको मैंने काम लगाया हुआ था ये है कि अल्लाह का शुक्र है अगर बोलो ना कि ये काम कर दो तो कर देते हैं बच्चे होता है ना कभी के बच्चे लेज़ी होते हैं कहते हैं हमने नहीं करना लेकिन ये अलहमदिल्ला जब बोलो ये काम करना है तो कर देते हैं तो इस वक्त हम सारे हम लोग काम लगे हुए थे सारी फैमिली में जितने भी मेंबर थे ना सब लगे हुए थे अपने अपने काम आज तो बच्चों का रोज़ा नहीं था कल वो भी कह रहे थे कि हमने रोज़ा रखना है इनशाला आप कल उनका भी रोज़ा रखवाऊँगी नहीं रखवाऊँगी क्योंकि स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं रखवाएँ बच्चे जो है ना हार्ड वर्क करते हैं तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है इसलिए आप वीकेंड पर रखवाया करें ये देखें जी अब थोड़े से टिप्स रह गए मेरे हाफ तो हो गए अब थोड़े रह गए कल कल या परसों भी मैंने बनाए थे लेकिन वो फिर वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि बोला है मैंने कि काफ़ी रश हो जाता है तो कैमरा ऑन करने की कभी याद नहीं रहती तो आज फिर मैंने कहा ये मैं जो है ना कर लेती हूँ रिकॉर्ड ये देखें जी और ये है कि फ़्रायर में ज़रा इजी हो जाता है अब रमज़ान के बाद जब फ्रायर हम लोग साफ करेंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये साफ़ होकर कैसा लगता है हालांकि जब आ, अब ये कर लेते हैं ना हम इस पर फ़्राई वगैरह तो सुबह के टाइम ना इसको ना करते हैं क्लीन सुबह जब किचन की क्लिनिंग वगैरह करते हैं ना तो इस फ्रायर को भी ना साफ़ करते हैं साथ में और साथ साथ में भी टिशू रखा हुआ होता है जहाँ जहाँ भी वो ऑयल लगता है या बेसन वग़ैरह गिरता है इसका बैटर वगैरह तो साफ़ करते हैं लेकिन फिर भी वो जो डीप वाली क्लिनिंग है वो तो फिर और ही चीज़ है ना तो इन श्रा रमज़ान के बाद इसको साफ़ करके ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शेयर करेंगी आपसे आप कि ये साफ़ होकर कितना प्यारा हो जाता है ये देखें अभी जल्दी में ना अभी ऐसे ही हो रहा है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे रखा हुआ है फ्रायर वहाँ नीचे भी जो ना गैस कुकर के ऊपर ना न्यूज़ रखे हुए हैं क्योंकि उसका भी जो शीशा होता है ना उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है ये बैटर गिरेगा ऑयल गिरेगा वो इतना गंदा हो जाएगा और फिर ज़ाहिर सफ़ाई करनी मुश्किल हो जाती है तो फिर हम लोग ना न्यूज़ रख लेते हैं और फिर उठा के वो फेंक देते हैं वो गैस जो है ना वो साफ़ रहता है कुकर जो है वो गंदा नहीं होता ये देखें अभी मैं टिशू साथ रखा हुआ उसको साफ भी कर रही हूँ कि जब ये उसी वक्त साफ़ कर दो तो ठीक है वरना बाद में ड्राई हो जाता है फिर साफ करना हार्ड हो जाता है ये देखें बस ये अब लास्ट जो है ना मैंने डालना है इसमें तो ये मेरा काम भी डन हो जाएगा और बस साथ में मेंफ्तारी भी होने वाली है ये देखें ये हो गया डन इससे पहले हम लोगों ने रोटियां बना ली थी फिर ये काम शुरू किया था क्योंकि फिर ये ठंडे नहीं खाए जाते ये लास्ट में हम इसलिए बनाते हैं कि गरम गरम खाएं और आज जो समोसे रोल वगैरह खाने का दिल नहीं का था जस्ट बच्चों के लिए बनाए थे अपने लिए सारे कह रहे थे कि हमने नहीं खाने हमने बस यही फिंगर टिप्स ही खाने तो ये देखें जी रेडी हो गए मेरे सारे देखें कैसे लग रहे बहुत मज़े के ऊपर चाट मसाला डाला था और ये दस्तरखान भी रखा है ये आज सी हमारी इफ्तार और शहर की रूटीन अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़